इंदौर में अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वालों पर सख्ती करने के लिए पुलिस मुखबिर तंत्र सक्रिय कर रही है। इसी के चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने करीब 12.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक यहां पर गांजा तस्करी कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर मुखबिर के बताए पते पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 12.5 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के गिरफ्त में आए गांजा तस्कर सचिन ने बताया कि वह खरगोन जिले से गांजा लाकर यहां बेचता है। मुखबिर की सूचना मिली थी हमारे अधिकारियों को कि कोई व्यक्ति है वो कार में गांजा लेकर आ रहा है, तो उसकी सूचना पे फोर्स गया रवाना होकर संबंधित गाड़ी को जाके रोका और उसकी तलाशी वगैरह ली। विधिवत कार्रवाई करने पर उसमें सचिन तिवारी पिता द्वारका प्रसाद तिवारी वृंदावन कॉलोनी का रहने वाला है, उसके पास से गांजा मिला करीब 12 किलो 500 ग्राम, जिसका बाजारू मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। उसको पकड़ के लाए हैं और अब उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जारी है, अभी लिखापढ़ी चल रही है उसकी। अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय कि वो लापता कहाँ से था, क्योंकि गांजा जो है बड़ी मात्रा में है, 10-11 किलो गांजा, तो कल उसका रिमांड लेके पूछताछ करेंगे कि उसका लाने का सोर्स क्या था। तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये, अभी उससे पूछताछ की जाएगी। अभी तो कायम ही चल रही है उसकी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से इस संबंध में और पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज, इंदौर।